स्वागत है। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए एक कटोरी मैंने पोहा लिया था, तो उसे बाउल में डाल देंगे और पोहे में हम पानी डालेंगे और पोहे को हम दो तीन पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे। पोहे को हमने दो तीन पानी से अच्छे से साफ कर लिया है, तो पोहे को हम हल्का सॉफ्ट करना है, तो 5 मिनट के लिए पोहे को हम कवर करके ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए पोहा भी हमारा कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब सबसे पहले पोहे को हम अच्छे से मैश कर लेंगे और जब पोहा आपका अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो वो आसानी से मैश हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैश हो रहा है पोहा। पोहे को हमने अच्छे से मैश कर लिया है, तब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी पालक। पालक को मैंने धो करके साफ करके एकदम फाइन चॉप करके लिया है, उसे ऐड कर देंगे। आज हम पालक बड़ा बना रहे हैं तो पालक का यूज़ ज़्यादा करेंगे। एक प्याज को भी मैंने फाइन चॉप करके लिया, तो उसे भी ऐड कर देंगे। अगर आप प्याज खाते हैं तो डालें, वरना आप बिना प्याज के भी ये बड़े बना सकते हैं। एक मैंने सूखी वाली लाल मिर्च ली थी, उसे एकदम बारीक बारीक कट करके लिया है। आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं या फिर चिली फ्लेक्स का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ मैं। बड़ों को एकदम टेस्टी चटपटा सा बनाने के लिए 1 छोटी चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चाट मसाला। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे बड़ों में। चाट मसाला डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, हमने चाट मसाला डाला है, चाट मसाले में भी नमक है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालें। 1 छोटी चम्मच भर के सौंफ ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे, इससे बड़ों में बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। आप बेसन की जगह पे इसमें रवा भी डाल सकते हैं या फिर चावल के आटे का यूज़ भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले हम। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो 1-2 टेबल स्पून पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको इसमें सिर्फ 1-2 टेबल स्पून पानी का ही यूज़ करना है। पालक बड़े बनाने के लिए मिक्सचर हमारा एकदम तैयार है और हमने इसमें सिर्फ 3 टेबल स्पून पानी का ही यूज़ किया है। तो थोड़ा सा हाथों में ऑयल डाल लेंगे 1-2 ड्रॉप और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये बढ़ेगा, मिक्सचर आपके हाथों में चिपकेगा नहीं। और अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और पहले आपको इन्हें अच्छे से बाइंड करना है, दूसरे हाथ में रखना है और वड़ों को शेप दे देना है। देखिए इस तरीके से इतनी थिकनेस आपको रखनी है वड़ों की। एक और मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। इसमें से आपको थोड़ा सा पोर्शन लेना है और पहले उसे बाइंड करना है, दूसरे हाथ में रखना है और बड़े का शेप दे देना है। पालक की बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से ये नाश्ता बना के दें, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बच्चे आपके बहुत ही शौक से खाएंगे और बार बार बनाने की जिद करेंगे। देखिए इस तरीके से सभी बड़ों को पहले हम बना के तैयार कर लेंगे। सभी पालक बड़े हमने बना के तैयार कर लिए हैं, तो इन्हें फ्राई करेंगे। तो हम चलते हैं गैस की तरफ। बड़ों को तलने के लिए ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब एक एक करके हम बड़े डालेंगे। गैस को मीडियम ही रखेंगे और एक बार में जितने बड़े आएंगे उतने ही डाल के फ्राई करना है। और अब बड़ों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि बड़े हमारे फ्राई होके तेल में ऊपर नहीं आ जाते, उसके बाद ही हम इन्हें पलटाएंगे। 1.5 मिनट हो गया है, तो एक बार सभी बड़ों को पलटा देंगे। और अब बड़ों को हम दोनों साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक और एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में आप इन्हें अलटाते पलटाते रहें। बड़ों को हमने दोनों साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक और एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है, तो निकाल लेंगे इन्हें अब। निकाल लेंगे बड़ों को हम और बाकी बचे हुए सभी बड़ों को भी ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। गर्म गर्म बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी हेल्दी से पालक बड़े हमारे तैयार है। आज मैंने इन्हें दही के साथ में सर्व किया है, आप चाहें तो सादा भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी एकदम हेल्दी सी रेसिपी है ये। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम टेस्टी चटपटे से बड़े बन के तैयार हुए हैं। तो एक बार मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी
कैसी लगी और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही ऑल बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय एवरीवन।